हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है तो कैसे करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा हो तो कैसे करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो चलते हैं पेटीएम की ओर। यहाँ से अपने मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन करते हैं। जैसे कि पेटीएम ओपन हो रहा है, पेटीएम ओपन होने के बाद अपन मोबाइल रिचार्ज पे चलेंगे। जैसा कि पेटीएम ओपन हो चुका है तो देखिएगा, अपन मोबाइल रिचार्ज करना है तो अपने मोबाइल रिचार्ज पे चलेंगे। जैसा कि यहाँ पर शो कर रहे हैं मोबाइल रिचार्ज, तो इसके अंदर जाएंगे और आपने जिस किसी भी नंबर पे मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसका नंबर डाल दीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि मैं मेरे अपने नंबर डालना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे इस नंबर पर रिचार्ज करना है तो मैंने ये नंबर डाल दिया। और जैसे कि ये रिचार्ज करना है तो अगर यहाँ पे जो अपने प्लान का रिचार्ज करना है उस प्लान को चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से पे का ऑप्शन आ रहा है तो मैं अगर यहाँ से पे करूँगा तो मेरे यहाँ से रिचार्ज हो जाएगा। अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो और पेमेंट नहीं हो रहा हो तो पेटीएम ऐप के डाटा क्लियर करके आप फिर से लॉगिन लेके फिर रिचार्ज करिएगा ताकि आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो सके। और हमारे तो जैसे कि हमारे रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है तो आप मतलब कर सकते हैं, हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो पेटीएम में, किसी कारण आपके मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पा रहा है तो आप पेटीएम ऐप का डाटा क्लियर करके वापस लॉगिन लीजिएगा और फिर यहाँ से रिचार्ज कर दीजिएगा ताकि आपको रिचार्ज सक्सेसफुली हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके।